मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती जा रही है। बीते 24 घंटे में जिले भर में 360 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले की जनता से सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दें। साथ ही कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा जिले में वैक्सीनेशन के लिए 165 सेंटर बनाए गए हैं जहां 60 साल से ज्यादा के लोग टीकाकरण कराएं। वहीं कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन ही हमारा बचाव है, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन तो अपनी तरफ से मुस्तैद है ही, लेकिन यदि कोरोना के संक्रमण से हमको बचना है तो उसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये सहयोग दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करें। दूसरा, आज भी पूरे भोपाल में 165 वैक्सीनेशन साइट्स हैं। मेरा सभी ऐसे लोग जो 60 साल से ज्यादा हैं, उनसे ये अनुरोध है कि वे अवश्य आए और अपना टीकाकरण कराएं। इसके साथ ही ऐसे सभी लोग जो 45 से 60 साल के बीच हैं, लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कि लिस्टेड हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि के कॉम्बिनेशन में डिजीजेस हैं, तो उसमें से कोई भी डिजीज किसी को भी है तो वे लोग भी आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए किसी को भी चांस नहीं लेना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वैक्सीनेशन ही